ओम शांति। ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 3628, मॉर्निंग क्लास डेटेड 11th November 1968, क्लैरिफिकेशन डेट 1st June 2021। प्रातः क्लास चल रहा था 11 नवंबर 1968। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 11th November 1968 वॉज बींग नरेटेड। वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द फिफ्थ पेज। प्रजापिता ब्रह्मा और ये ब्रह्मा कहाँ से आया? फ्रॉम वेयर डिड दीज प्रजापिता ब्रह्मा एंड ब्रह्मा कम? तो जानते हो? यू सर्टनली नो। पढ़ करके बना है। ही स्टडीड द नॉलेज एंड बिकेम दैट। ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते है। बड़े मजे की बात है, जो तुम जान भी लेते हो। यही ये पतित और वो पावन। नो वन नोज अबाउट दिस इन द वर्ल्ड। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दैट यू कम टू नो। दिस इज द वन हु इज सिंफुल एंड ही इज द वन हु इज प्योर। वो पावन 184 जन्म लेकर के पतित बनते। That pure one becomes sinful after having 84 births. वो पतित है वो मनुष्य। और जो पावन चोदी मतलब। The ones who are sinful are human beings and the ones who are pure are the deities. बाप ने कल भी समझाया ना। The father explained it yesterday as well, didn't he? मानुष को देवता बनाया। He transformed a man into a deity. मनुष्य उसी कहा जाता है जिसका चंचल मन होता है। The one who has an inconstant mind is called a human being. विकारी होता है। He is vicious. देवता तो निर्विकारी होते हैं। And the deities are certainly viceless. मन चंचल होने की बात ही नहीं, एकाग्र मन होता है। There is no question of their mind becoming inconstant. Their mind is focused. अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझते हैं। They consider themselves a point of light soul. औरों को भी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखते हैं। They see others in the form of a point-like soul too. तो आत्मा के ऊपर एकाग्रता हुई ना? So they have their concentration on the soul, don't they? वो जो मनुष्य है इस दुनिया का, अव्वल नंबर मनुष्य ऐसा मनुष्यों का बाप। वो मनुष्य देवता बनता है और देवता से मानुष जरूर बनेगा। He The one who is a human being in this world, the number one human being, the father of all the human beings, he becomes a deity from a human being, and he will certainly become a human being from a deity. जिसको फिर देवता बनाएगा? Then the one whom he transforms into a deity. किसको? Who? मनुष्य को। A human being. तो देखो। दोनों ही नंबर वन एकदम। सो लुक, बोथ ऑफ देम आर एब्सोल्युटली नंबर वन। वो मनुष्य पतित और वो पावन लक्ष्मी नारायण। ही इज अ सिंफुल ह्यूमन बीइंग एंड ही इज प्योर लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण के संस्कार स्वभाव मिलकर के एक कहो तो विष्णु गुरु। When the nature and संस्कार्स of Lakshmi and Narayan harmonize to become one, you call them Vishnu. तो बस। So that's it. सारा खेल है सृष्टि चक्र में। The entire game in the world cycle. उनका ही सारा खेल है। The entire game is theirs. लक्ष्मी नारायण का। Meaning of Lakshmi and Narayan. और ये वो बनती हैं second में। And they become that in a second. It is praised.
मानुष से देवता किए करतन लागी वार. इट मीन्स इट डजंट टेक टाइम टू ट्रांसफॉर्म अ मैन इनटू अ डीटी. तो देवता बनते हैं हाँ बच्चे. सो यू डू बिकम अ डीटी डोंट यू चिल्ड्रन. अभी अभी तुम बने मनुष्य. यू बिकेम अ ह्यूमन बीइंग जस्ट नाउ. अच्छा वो मनुष्य 84 जन्म लेकर के फिर वो देवता बने. अच्छा द ह्यूमन बीइंग हैज 84 बर्थ्स एंड बिकम्स दैट डीटी. ऊंचे ऊंचे देवता. The highest of the high deity. Nami deity Mahadev. They give him the very name Mahadev. To bas. So that's it. Dhoka thi bilkul clear hai ekdam. The meaning of both is very clear. Kine mein pravesh karte hai? He enters these ones. Dono mein pravesh karte hai? He enters both of them. प्रवेश करके करते क्या है? प्रवेश कर करके पढ़ाते हैं. And what does he do after entering them? He enters them and teaches. पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते. He teaches this one as well as you. तो फिर देखो, इनका भी तो घराना है ना. Then look, they also have a family, don't they? Their family is called the Suryavanshi family. Vishnu akela to nahi hai. It is because Vishnu certainly isn't alone, is he? Vishnu ko lahar. There is the clan of Vishnu. To wo aap to tumne samjhaya. So you have explained that meaning. ये लक्ष्मी नारायण है. These ones are Lakshmi and Narayan. Combined part है विष्णु. Their combined part is Vishnu. स्वभाव संस्कार का combination है. He is the combination of the nature and संस्कार्स. इसका अगर मंदिर भी बनाते हैं. Even if you build his temple. तो वो बेचारा जानते नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण. Those poor ones don't know that he is the combination of Lakshmi and Narayan. लक्ष्मी नारायण है वो ही राधे कृष्ण. लक्ष्मी एंड नारायण themselves are राधे एंड कृष्ण. वो नहीं जानते. They don't know that. क्योंकि लक्ष्मी नारायण को पहले तो प्रिंस बनना है ना. It is because लक्ष्मी एंड नारायण have to become prince first of all, don't they? तो फिर ये तुम जानते हो. So you know that. जानते हो ना ये बुड्ढा है. एंड यू सर्टनली नो दैट ही इज ओल्ड डोंट यू. बुड्ढा है तो फिर जा करके प्रिंस बनेगी. व्हेन ही इज ओल्ड ही विल गो एंड बिकम अ प्रिंस. बेगर है. ही इज अ बेगर. अब दुआ भी बेगर है सो फिर प्रिंस. एंड द वन हु इज अ बेगर नाउ बिकम्स अ प्रिंस लेटर ऑन. इट इज अबाउट विच टाइम. 68 की होगी ये ना. दिस इज द मुरली ऑफ 68 इजंट इट. बेगर टू प्रिंस. सो ही बिकम्स बेगर टू प्रिंस. तो वो प्रिंस बड़ा तो नहीं इतना बड़ा पैदा होगा पेट से. दैट प्रिंस सर्टनली वोंट बी बोर्न सो बिग थ्रू द वूम. वो पहले बेगर है फिर प्रिंस बनते. First of all, he is a beggar. He becomes a prince later. A prince to beggar, 84 janm ka. And he becomes prince to beggar after 84 births. Ek ise ke upar hi tum samjhay sakte ho. That's it. You can explain on this very topic. Jo beggar hai, to prince banta hai. The beggar becomes a prince. इसी बात से जो कोई के बुद्धि में कभी बैठे न भी बैठ सके. दिस इजी टॉपिक माइट सिट इन समवन्स इंटेलेक्ट और इट मे नॉट. तो इन दो चित्र के ऊपर है सारा नॉलेज.
सो द एंटायर नॉलेज इज बेस्ड ऑन दीज टू पिक्चर्स, बेगर और बेगर टू प्रिंस, दैट इज बेगर एंड बेगर टू प्रिंस। सीढ़ी के चित्र में दिखा दो, शो देम इन द पिक्चर ऑफ द लैडर, देखो नीचे बेगर के रूप में पड़ा है, लुक ही इज लाइंग बिलो इन द फॉर्म ऑफ अ बेगर, और ऊपर है बाईं ओर के कोने में प्रिंस, एंड अबव इन द लेफ्ट कॉर्नर ही इज द प्रिंस। चौरासी जन्म की कहानी, बेगर और ये प्रिंस, ये दो चित्र के ऊपर है ये कहानी। दिस नॉलेज इज द स्टोरी ऑफ द 84 बर्ड्स इटसेल्फ। दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द टू पिक्चर्स, बेगर एंड प्रिंस। ये बेगर है वो प्रिंस टू नारायण हवन के। This beggar becomes prince to Narayan. और है ये युगल, इसलिए चार भुजाएं देते हैं। And they are certainly a couple. This is why they show him four arms. भुजा का दुनिया वाले अर्थ तो नहीं समझते, भुजा माने सही मतलब ना? The people of the world definitely don't understand the meaning of arms. Arms means supporters, helpers. तो जरूर जो बैगर टू प्रिंस बनते हैं, उनमें कोई प्रवेश होती है आत्मा। So definitely, a soul enters the one who becomes beggar to prince. दूसरे योगी बनती है। And he becomes his helper. और फिर उनकी सहयोगी शक्तियाँ भी, एंड देन ही हैज हिज कोऑपरेटिव शक्तीज टू। चारों को मिलाकर उनको फिर चार भुजाएं देते, सो दे गिव हिम फोर आर्म्स बाय कंबाइनिंग ऑल द फोर ऑफ देम। चार भुजाओं के रूप में सहयोगी हैं, दे आर हेल्पर्स इन द फॉर्म ऑफ द फोर आर्म्स। और ये चार भुजाएं किसको देते हैं? Well, whom do they show with these four arms? अभी शंकर को भी चार भुजाएं देते हैं। Sometimes they show four arms to Shankar too. चार भुजा क्यों देते हैं? Why do they show four arms? दो भुजा पुरुष रूप और दो भुजा स्त्री रूप। Two arms are of the male form and two arms are of the female form. कॉम्बिनेशन है, स्त्री पुरुष का प्रवृत्ति मार्ग है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेल एंड द फीमेल फॉर्म, इट इज द हाउस होल्ड पाथ। ये कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है सन्यासियों का, पहले प्रवृत्ति बनाई फिर छोड़ छाड़ के लिए भागे। इट सर्टेनली इजंट द पाथ ऑफ रिनंसिएशन ऑफ द सन्यासीज हु फर्स्ट मेक अ हाउस होल्ड एंड देन लीव देम एंड रन अवे। तो बाप बताते हैं, So the father says, ये जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, ये कभी भी प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान दे ही नहीं सकते। Those who belong to the path of renunciation can never give the knowledge of the path of household at all. क्यों? Why? खुद निवृत्ति में रहते हैं। It is because they themselves follow the path of renunciation. और न फिर ज्ञान दे सकते हैं और न प्रवृत्ति मार्ग वाला कोई ज्ञान समझा सके। एंड नीदर कैन दे गिव एनी नॉलेज नॉर कैन दे एक्सप्लेन द नॉलेज ऑफ द हाउस होल्ड पाथ। न सुनाए सकेंगे न समझाए सकेंगे। नीदर कैन दे नरेट नॉर एक्सप्लेन कि ये निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग अलग अलग मार्ग हैं। That the path of renunciation and the household path are different. इन दोनों का पार्ट इस ड्रामा में है, निवृत्ति मार्ग वालों का भी और प्रवृत्ति मार्ग वाली देवताओं का भी। Both of them, the ones who follow the path of renunciation as well as the deities who follow the household path, have their part in this drama. प्रवृत्ति मार्ग वाले देवताएं होती हैं सत्युगत रेता में। The deities of the household path are present in the golden and the silver age.
शिव ब्रह्मा का दिन कहा जाता है? इट इज कॉल्ड द डे ऑफ ब्रह्मा। निवृत्ति मार्ग वाले होते हैं द्वापर कलयुग। दोज बिलोंगिंग टू द पाथ ऑफ रिनंसिएशन आर प्रेजेंट इन द कॉपर एंड द आयरन एज, द्वैतवादी युग, द ड्यूअलिस्टिक एज। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें चलती। Where two religions, two kingdoms, two languages, two clans, and two opinions prevail. तो ये निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का पाठ, ये चार सिंह के इस ड्रामा में है। So the part of the path of renunciation and the household path is fixed in the drama of the four scenes. और ये है सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग। And this is the path of renunciation of the sannyasis. तो वो निवृत्ति मार्ग वाले कोई भी धर्म पिता है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट हो या उनके सहयोगी धर्म पिताए हो, कभी भी प्रवृत्ति मार्ग का वो ज्ञान दे ही नहीं सकेंगे। So, no matter which religious fathers they are of the path of renunciation, be it Abraham, Buddha, Christ or their supportive religious fathers, they can never give the knowledge of the household path. और न जीवन भर प्रवृत्ति मार्ग में रह सकेंगे। They can't follow the household path for their entire life either. वो प्रवृत्ति मार्ग के सुखों को जानते ही नहीं है। They don't know the happiness of the household path at all. और मानते ही नहीं। And they don't believe it either. वो तो बस पैदा ही होते हैं निवृत्ति मार्ग के। They are born only in the world of the path of renunciation. और फिर काग-विष्टा समान सुख समझते। And then they consider happiness equal to काग-विष्टा। सभी निवृत्ति मार्ग में तो काग-विष्टा समान ही सुख मिलेगा ना आखिर। Because ultimately they will receive happiness equal to काग-विष्टा in the path of renunciation, won't they? काग-विष्टा means droppings of a crow. तो ऐसों को उनको गुरु करना वो या नीचे ही नीचे जाना। So to make such ones your guru is to completely degrade yourself. इसीलिए बाबा कहते हैं गुरु जिन के अंधले चेले सत्यानाश। This is why Baba says गुरु जिन के अंधले चेले सत्यानाश। It means the disciples of the gurus who are blind are ruined. अभी बच्चे समझ गए ना, गुरु तो अनेक होते। Now your children have understood, haven't you? There are certainly many gurus. ढेर गुरु बन पड़ते। Numerous people become gurus. लेकिन सतगुरु तो एक ही होता है। But there is only one सतगुरु। कहती है God is one. It is said God is one. सदगुरु तारे। The सदगुरु takes you across। विषय वैतरणी नदी से पार ले जाते। He takes you across the river of vices। विषय सागर को। In other words, the ocean of vices। तारते हैं ना, पार ले जाते हैं। He takes you across, doesn't he? वो तो एक ही सदगुरु का काम है। It is the task of the one सदगुरु alone। यो आकर के एक ही सच्ची बात सुनाते। He comes and narrates only the true facts। ऐसे नहीं कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी तीसरी बात। It isn't that sometimes he narrates one thing, sometimes a second thing, and sometimes a third thing। बाकी सब झूठे गुरु। Rest of all the other gurus are false। गाया ही जाता है। एक सदगुरु अकाल मूर्त। It is certainly praised. One सदगुरु is अकाल मूर्त। तो बाकी सब गुरु झूठे हुए ना। So rest all the other gurus are false, aren't they? है। उनको काल खा जाता है ना। Death devours them, doesn't it? तो बाकी सब बोलने वाले गुरु। So all the other gurus are the ones who drown you. उन गुरुओं का भी नाम तो चाहिए ना। You certainly need the names of those gurus too, don't you?
वो भी गुरु के नाम हैं, जो बोलने वाले हैं। Those gurus who drown you also have names. तो वो तो जो बोलने वाले अनेक हैं। So there are many who drown you. इस बाबा सागर में पूरा डुबो देते। They totally drown you in this ocean of life. फिर अनेक गुरुओं में से फिर नंबर वन बनते हैं। Then they become the number one among many gurus. अपन को कहते हम नंबर वन गुरु। कैसे? They say for themselves, I am the number one guru. How? कहते स्त्री का पति भी गुरु है। They say that the husband of a woman is also a guru. अरे वो पुत्र पति क्या करते हैं? अरे what do those husbands do? स्त्री के पति बने तो पहले ही नंबर में डुबो देते। As soon as they become the husband of a woman, they drown her first of all. कहाँ डुबो देते? Where do they drown her? वैश्यालय में डुबो देते। They drown her in the brothel. कलयुग में आकर के सारी दुनिया वैश्याल बन जाती। By the end of the Iron Age, the entire world becomes a brothel. उनको कहते ही हैं वर्णशंकर। They are definitely called वर्णशंकर, meaning those of mixed blood. तुलसीदास ने तो 300-400 साल पहले ही लिख दिया भय वर्णशंकर सबे। तुलसीदास wrote 300-400 years ago itself, भय वर्णशंकर सबे, meaning everyone has become वर्णशंकर। का ब्राह्मण तो कोई भी नहीं रहा। No true Brahmin is left. सारी दुनिया जब वैश्याल बन जाती है तो दूसरों की तो कोई बात ही नहीं। When the entire world becomes a brothel, there is no question of others at all. दूसरे तो सब पीछे। All the others are behind. देखो उन डुबोने वालों को उनको बैठ करके कहते हैं गुरु। So look, they sit and call those who drown them as guru. अब ये जो ब्राह्मण लोग हैं ना, हथियाला बांधते हैं। And these Brahmins tie a bond. तो ये कितने अच्छी तरह से बच्चे समझते हैं, समझाते हैं। So these children understand as well as explain so nicely. तो कोई कहते हैं हमको समझ में नहीं आता है, हम समझा नहीं सकते। Then some say that we can't explain because we don't understand. नहीं? No. अब समझाने के लिए तो फिर वो दैवी गुण चाहिए ना। अरे यू नीड डिवाइन वर्च्यूज टू एक्सप्लेन डोंट यू? आसुरी गुण भरे हुए हैं तो समझाएंगे कहाँ से? व्हेन यू आर फुल ऑफ डिमोनिक ट्रेट्स हाउ विल यू एक्सप्लेन? तो तुम कोई से भी पूछेंगे ना। सो इफ यू आस्क एनीवन अबाउट इट, कोई भी स्त्री से पूछो पति के लिए। अभी नाउ आस्क एनी वुमन अबाउट हर हस्बैंड, तुम्हारे पति में दैवी गुण है? Does your husband have divine virtues? या इनसे पूछो। Or ask this one. उनमें पत्नियों में दैवी गुण हैं? Are there divine virtues in them, the husbands? तो दोनों एक दो में जो खामियां होंगी सो ही बताएंगे। So both of them will tell you each other's shortcomings. कि इनमें ये खामी है। He has this and that shortcoming. पति कहेगा ये मुझे तंग करती है। The husband will say she troubles me. इसमें वो खामी है। She has this shortcoming in her. पत्नी कहेगी ये मुझे तंग करता है। The wife will say that he, meaning the husband, troubles me. और न तंग करने वाले होंगे बोलो बोलेंगे नहीं। And if there are such couples who don't trouble each other, they will say no. हमारे दोनों ठीक है, दोनों ठीक चलते हैं। Both of us get along well. एक दो को जरा भी तंग नहीं करते। We don't trouble each other even a little. तो ऐसे भी जोड़े हैं एक दो को तंग नहीं करते हैं।
There are such couples as well who don't trouble each other. बाबा ज्ञान में चलने वाले अच्छे अच्छे बच्चों की बात करते हैं, पूरे ज्ञान में अपना चल रहे हैं। बाबा स्पीक्स अबाउट द वेरी गुड चिल्ड्रन हु फॉलो द नॉलेज, दे आर फॉलोइंग द नॉलेज कम्प्लीटली। और एक दूसरे को मदद करते हैं। एंड दे ऑल्सो हेल्प ईच अदर। और मदद करने की वजह में एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। एंड दे एनकरेज ईच अदर बाय हेल्पिंग देम। बाकी दूसरे एज फॉर द अदर्स वो तो एक दूसरे को और ही नीचे गिरा। दे डिस्करेज ईच अदर ऑल द मोर, क्योंकि एक में भी कुछ बिघन होता है तो दूसरे को गिराने की कोशिश जरूर करते। इट इज बिकॉज इफ देर इज सम शॉर्ट कमिंग इवन इन वन ऑफ देम ही डेफिनेटली ट्राइज टू डिस्करेज द अदर। कुछ न कुछ बिघन होता है, देर इज सम ऑफ द अदर शॉर्ट कमिंग। तो बाप कहते हैं, सो द फादर सेज, ये जो स्वभाव संस्कार है ना, दीज नेचर एंड संस्कार, उन स्वभाव संस्कारों को बदलना पड़ता है। यू हैव टू चेंज देम, तो वो है आसुरी स्वभाव, बिकॉज दैट इज द डिमोनिक नेचर। असुर क्या करेगा? वॉट विल अ डीमन डू? नाम ही है असुर। द वेरी नेम इज असुर, मीनिंग डीमन। सुर में सुर मिला के चलेंगे ही नहीं। They certainly won't tread in tune with each other. बेसुरी बातें एक दूसरे से करेंगे। They will speak to each other disharmoniously. वो होते हैं दैवी स्वभाव वाले और वो होते हैं आसुर स्वभाव। These are the ones with divine nature and those are the ones with demonic nature. तुम जानते हो। So you know. ये देव और ये आसुर है। These deities and demons. ये आसुर से देवताएं कैसे बने? How did they become deities from demons? और देवताओं से आसुर कैसे? And how did they become demons from deities? बाकी ऐसी नहीं है कि वो आसुर और देवताओं की क्यों युद्ध लगी है, नहीं बच्चे। As for the rest, it isn't that there is a battle between the demons and the deities. No, children. There can't be any battle in the world where deities live. राम राज्य का कितना गायन करते हैं। People praise राम राज्य so much. बड़ा सुखी रहते हैं। You stay very happy there. तो वहाँ दुख देने की बात ही नहीं। सो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग सोरो टू एनी वन देर एट ऑल। और राम राज्य तो 14 कला संपूर्ण। राम राज्य इज कम्प्लीट विद 14 सेलेस्टियल डिग्रीज। त्रेता युग की बात हो गई। इट इज अबाउट द सिल्वर एज। उससे पहले तो सतयुग है 16 कला संपूर्ण। द गोल्डन एज कम्प्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज इज बिफोर दैट। वो कैसे दुखदायी हो सकते? How can that be sorrow giving? तो वो समझते हैं कि बरोबर सतयुग त्रेता में भी असुर थे। So they think that certainly there were demons in the golden and silver age too. अब तुम बच्चे जानते हो असुर तो होते ही हैं कलयुग में। And you children know that the demons are definitely present in the iron age. नाम ये है कल है कले सकायुग। द वेरी नेम इज द एज ऑफ डिस्प्यूट्स एंड क्वारल्स। वाचा से भी बेसुरे बनते हैं, कर्मेंद्रियों से भी मारा मारी करते। सो दे बिकम डिसहार्मोनियस थ्रू स्पीच एंड दे ऑल्सो यूज वायलेंस थ्रू द कर्मेंद्रिया। और वो तो दिखाते हैं शास्त्रों देवताओं की युद्ध लगी। एंड दे शो इन द स्क्रिप्चर्स देयर वाज द बैटल ऑफ द डीटीज। तो देवताओं ने जीता। सो द डीटीज वन। जीता तो ये देवताएं बन गए। व्हेन दे वन दे बिकेम डीटीज। यस। अभी युद्ध बुद्ध देखो ये तो बात ही नहीं है कुछ। नाउ लुक देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बैटल एटसेट्रा एट ऑल।
अभी पुरुषोत्तम संगम युग की याद गा रहे हैं भक्ति मार्ग में शास्त्रों में। देयर इज द यादगार ऑफ द पुरुषोत्तम संगम युग इन द पाथ ऑफ भक्ति एंड द स्क्रिप्चर्स। पुरुषोत्तम संगम युग तो सतयुग से पहले और कलयुग के अंत की बात है। द पुरुषोत्तम संगम युग इज बिफोर द गोल्डन एज एंड एट द एंड ऑफ द आयरन एज। ये दोनों युगों का मेल है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एजेस। इसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। इट इज कॉल्ड पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तो इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषों को उत्तम पुरुष मनुष्य से देवता बनाने के लिए भगवान आते। नाउ गॉड कम्स इन दिस पुरुषोत्तम संगम युग टू मेक ह्यूमन बींग्स द मोस्ट एलिवेटेड अमंग द सोल्स टू मेक ह्यूमन बींग्स इनटू डीटीज। भगवान मनुष्य को देवता बनाते। गॉड मेक्स अ ह्यूमन बींग इनटू अ डीटी। तो भगवान हिंसा सिखाएंगे क्या? सो विल गॉड टीच वायलेंस? युद्ध कराएंगे क्या? विल ही मेक यू फाइट अ बैटल? अरे भगवान तो जन्म के चक्र से न्यारा होने के कारण एकादर्शी है। अरे गॉड इज बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ सो ही इज त्रिकालदर्शी। वो तो ज्ञान का खूट भंडार है। ही इज डेफिनेटली द इनएग्जॉस्टेबल स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। जो जन्म के चक्र में आते हैं उनको तो फिर कुछ याद ही नहीं रहता पूर्व जन्म का। दोज हू कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ डोंट रिमेम्बर एनीथिंग ऑफ देयर प्रीवियस बर्थ्स। भगवान तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गॉड इज बियॉन्ड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो इस सृष्टि पर आते हैं तो देखो अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आकर के गीता ज्ञान सुनाएंगे ना। When he comes in this world, look, he will come in the chariot-like body of Arjun and narrate the knowledge of the Gita, won't he? और वो ये थोड़े ही कहेंगे कि आपस में लड़ो। And he certainly won't say, fight among each other. जो उन्होंने शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, महाभारत में युद्ध ही युद्ध दिखाई दिए। Like they have shown only battles in the scriptures, like the Gita, the Bhagavat and the Mahabharat. Asura aur devata. The demons and the deities. Haiye sochna chahiye na. You should think, shouldn't you? Naam asura kyon pada? Unka naam asura kyon pada? Why were they named demon and why were they named deity? Jaisa naam waisa kaam. As is the name, so is the task performed. तो देवताएं तो होते हैं नई दुनिया में। सो द डीटीज आर डेफिनेटली प्रेजेंट इन द न्यू वर्ल्ड। और जो नई दुनिया है उसमें तो सुखी सुख होगा। नए मकान में सुख होता है ना। एंड देयर विल सर्टेनली बी ओनली हैप्पीनेस इन द न्यू वर्ल्ड। देयर इज हैप्पीनेस इन द न्यू हाउस इजंट देयर। पुरानी दुनिया होती है पुराना मकान होता है तो दुखी। If it is the old world, the old house, there is only sorrow there. Huh? It is correct, isn't it? Yes. Om Shanti. Om Shanti.